हेलो दोस्त, मेरा नाम डॉक्टर उदय। मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से निम्बलाइजर मशीन के बारे में बताने जा रहा हूँ। जी हाँ, निम्बलाइजर मशीन जो एक ऐसी मशीन होती है जो किसी पेशेंट का चेस्ट काफ़ी ख़राब हो गया हो या सांस लेने में दिक्कत होती है, उसको निम्बलाइजर मशीन के माध्यम से भाप दिया जाता है। आजकल हर घरों में जो है कि निम्बलाइजर मशीन का प्रयोग किया जा रहा है, लेकिन सही तरीके से प्रयोग बहुत कम ही लोग कर पाते हैं। इस वीडियो के माध्यम से हमारी टीम मेंबर आपको बताने जा रही हैं कि कैसे जो है कि निम्बलाइज किया जाता है सही तरीके से। नमस्ते, मैं बीनू मौर्य। आज मैं आप सभी को निम्बलाइजर करने के स्टेप बताऊंगी कि आप घर बैठे कैसे निम्बलाइजेशन कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम निम्बलाइजेशन करने से पहले हम 3 स्टेप्स इसमें देखेंगे कि क्या क्या चीज़ें होती हैं। तो इसमें सबसे पहला होता है ये पावर प्लग, जिसको हम इलेक्ट्रिक से कनेक्ट करते हैं। सेकेंड होता है हमारा नेजल असेंबली, जिसमें हम ट्यूबिंग को कनेक्ट करते हैं। थर्ड नंबर होता है पावर बटन, जिसको हम ऑन ऑफ करने के लिए यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि फर्स्ट स्टेप में मशीन को हम एक फ्लैट सरफेस पे रखेंगे। सेकेंड स्टेप में हम जो नेजल असेंबली होती है उससे ट्यूबिंग को कनेक्ट करेंगे। नेजल असेंबली से ट्यूबिंग को कनेक्ट कर दिया। थर्ड स्टेप में हम इस पावर प्लग को स्विच से कनेक्ट करेंगे। अब हम आपको इस मशीन के 7 स्टेप बताएंगे जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट होते हैं, जिनको ध्यान में रख के हम निम्बलाइजर करते हैं। तो सबसे पहले हम फ्लैट सरफेस सेलेक्ट करेंगे इस मशीन को रखने के लिए। तो हम इस मशीन को एक फ्लैट सरफेस पे रखेंगे। उसके बाद फिर हम इसकी निम्बलाइजिंग ट्यूब को, जो निम्बलाइजर ट्यूब है, उसको उसके असेंबली से कनेक्ट करेंगे। निम्बलाइजर असेंबली को इसको कनेक्ट करने के बाद हम इसमें ये ट्यूब होती है हमारी। थर्ड स्टेप में हम प्लग को पावर स्विच से कनेक्ट करेंगे और उसके बाद फिर हम इसको क्या करते हैं, ऑन ऑफ की बटन से ऑन करेंगे। उससे पहले हम ट्यूबिंग जो ये कनेक्ट किए हुए, हम इसका जो चैम्बर होता है, इसके 2 पार्ट होते हैं, इसको हम जो कैप वाला एरिया होता है उसको इससे चैम्बर से अलग करेंगे और एक क्लीन सरफेस पे रखेंगे ताकि ये इन्फेक्टेड ना होने पाए। ये हम किसी पेपर पे या सीट पे रख सकते हैं। उसके बाद फिर हम चैम्बर में मेडिसिन अप्लाई करेंगे। मेडिसिन अप्लाई करने से पहले हमको कुछ इंपॉर्टेंट बातें याद रखनी होंगी कि हम मेडिसिन को तभी अप्लाई करेंगे जब भी हमको डॉक्टर्स द्वारा उस मेडिसिन के बारे में बोला गया हो। तो इसमें 2 मेडिसिन होती हैं। 6 स्टेप में सबसे पहली होती है ब्रोंकोडायलेटर और एक स्टेरॉइड होती है। तो हम मेडिसिन को अप्लाई करेंगे। मेडिसिन अप्लाई करने के बाद 7 स्टेप में हम कैप को इससे चैम्बर से कनेक्ट कर देंगे। उसके बाद हम इसको अपने फेस पे अप्लाई करेंगे। अब इसके बाद फिर हम जो ये पावर प्लग है इसको हम स्विच से ऑन करेंगे, जिससे हमारी मशीन ऑन हो जाएगी। अब हम जब तक ये न्यूबलाइजेशन तब तक करना है जब तक इस चैम्बर से स्ट्रीम आता रहेगा, तब तक हम पेशेंट को ये अप्लाई करके रखेंगे। उसके बाद फिर हम आपको इसके आगे बताएंगे कि अगर पेशेंट ऑक्सीजन पर है तो उसको किस तरह से हम नेजल न्यूबलाइजेशन कर सकते हैं। तो हम ऑक्सीजन ट्यूब को लेंगे। न्यूबलाइजेशन करते हुए हम इस ट्यूब को अप्लाई कर देंगे, जिससे पेशेंट को ऑक्सीजन भी मिलता रहेगा और न्यूबलाइजेशन भी हो जाएगा। उसके बाद अगर पेशेंट नेजल कैनुला पे है तो उसको भी हमको वैसे ही करना है, नेजल कैनुला को आउट नहीं करना है और न्यूबलाइजेशन को करते रहना है। तो इस तरह से हमारा ये न्यूबलाइजेशन का प्रोसेस हुआ। अब इसके बाद फिर हम बताएंगे कि किस तरह से हम इसको डिस्कार्ड करेंगे और मशीन को किस तरह से हम रखेंगे। तो सबसे पहले हम इस नेजल असेंबली को मशीन से रिमूव करेंगे।
उसके बाद फिर इसको हमको क्या कहते हैं, एक क्लीन पॉलिथीन या फिर पैकेट में रखना है ताकि ये दोबारा रीयूज़ करने पर हमको कोई किसी भी प्रकार का इन्फेक्शन ना हो। तो हम इसको राइपर में रख देंगे सुरक्षित और मशीन को स्विच से रिमूव करेंगे, प्रॉपर इसको भी प्लेस पर ले जाकर रिमूव करके